हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और हम बात करेंगे पाइसेंस के लिए ये मंथ कैसे जाने वाला है अप्रैल 2019। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियोस को प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारे प्लानेटरी चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल में, तो उनका भी ध्यान रखकर मैंने बहुत सारे वीडियोज में आपको बता दिया ऑलरेडी 11 वीडियोज में, जो कि बाकी की राशियों में थे, जो मैं आपको बता चुकी हूं कि प्लीज आप ध्यान रखिएगा ट्रांजिट का। और सैटर्न और केतु हैं, साथ में जुपिटर भी हैं, जिसकी वजह से ये मंथ आपका काफी ठीक निकल सकता है। और 22 अप्रैल तक आपको काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। अगर हम प्लानेटरी देखें तो आपका सूर्य और बुध जो है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मंथ के बाद आपके लग्न में आ जाएंगे। सूर्य अभी भी लग्न में है और हाफ ऑफ द मंथ के बाद वो जाएंगे, तो बुध उसके ऑलमोस्ट उससे जस्ट थोड़े दिन पहले ही आ जाएंगे। तो 14 अप्रैल को जब सूर्य वहां से चलकर अपने एग्जॉल्टेड राशि मेष में चले जाएंगे, जो कि आपका सेकेंड हाउस है, उससे पहले जस्ट पहले बुध जो है वो आ जाएंगे 11th को। वीनस आपके 12th हाउस में है, तो आपको लग्जरीज की जो भरमार आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके कर्म भाव पे शनि, केतु और गुरु हैं। गुरु की प्रेजेंस की वजह से जो प्रॉब्लम्स अगर आ रही थी, जो डिले आ रहे थे, वो पूरे हो जाएंगे और वो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। मंगल आपके पराक्रम भाव में है, पराक्रम भाव में मंगल अच्छा फल ही देंगे, लेकिन अब आगे भी चले जाएंगे एंड ऑफ द मंथ में राहु एग्जॉल्टेड होकर आपके 4th हाउस में बैठे हैं, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो 4th हाउस में राहु को हम मैं बहुत अच्छा तो नहीं कह सकती, पर गलत नहीं कह सकती। किसी लेडी को लेकर अगर आपको कोई इश्यू है तो वो आपको बहुत सोच विचार कर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी बॉसेज हैं तो। हाँ, कुछ ज्वेलरी वगैरह परचेज हो सकती है जो आपके फेवर में जाएगी, और या फिर कोई आप कार वगैरह भी खरीद सकते हैं। लवर है जो कि आपकी मतलब कि जैसे आपके लव से इश्यूज जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। यू विल फील मच कनेक्टेड विद द पर्सन यू लव, तो आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो प्यार है वो आपको आंसर दे रहा है, वैसे ही बात कर रहा है। जो एक अकेलापन था वो दूर हो जाएगा, हालांकि लोनली रहने की प्रवृत्ति तो रहेगी, लेकिन अकेलापन जो है मन से दूर हो जाएगा, क्योंकि आप बात कर पाएंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। नए किसी काम की अगर आप शुरुआत करते हैं तो वो भी आपको फेवरेबल होगी। प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज आपकी फेवर में जाएगी। फ्रेंड्स, मनी वुड बी कमिंग एंड गोइंग, पर इम्पैक्ट जो है इस पूरे मंथ में आपके लिए वो फेवरेबल है, क्योंकि गुरु की प्रेजेंस जो है वो आपको बहुत चैन दे रही है। किसी बात को, किसी स्पेसिफिक बात को लेकर दिल भी टूट सकता है, इसलिए उस बात के लिए भी आप केयरफुल रहिए। हालांकि आपके गाइडिंग एंजल्स आपको प्री वॉर्न करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मंजिल तक ले जाने में बहुत हेल्प करेंगे, पर फिर भी मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपको कन्फ्यूजन की स्टेट रहेगी, आपको गुस्सा जरूरत से ज्यादा आ सकता है, एग्रेसिव मोड आप ले सकते हैं, और कभी ऐसे भी लग सकता है कि कोई मैजिशियन है, समबडी इज ट्राइंग टू बी वेरी स्वीट टू यू, दिस पर्सन इज नॉट। तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, खर्चों को लेकर भी केयरफुल रहना है, और घर में जो रेनोवेशन है उसको लेकर भी। किसी रिलेशनशिप में कुछ गैप आ सकता है, उसके वजह से भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपने बच्चों को लेकर आप थोड़े से ज्यादा केयरफुल हो जाएंगे और चिंता भी करेंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ये आपकी तो आने वाला टाइम जो है वो धीरे धीरे आपकी फेवर में जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो था अप्रैल मंथ 2019 पाइसेंस के लिए कैसा रहेगा, और साथ ही साथ मैं और भी वीडियोज अपलोड करती रहूंगी। प्लीज मेरे वीडियोज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।